सबसे बड़ी दिक्कत तो इसमें ये नाव भी ना और लगना भी चाहिए नहा लिए। 150 नेपाली रुपए की कॉफी और 35 नेपाली रुपए की एक ब्रेड खाकर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने निकल चुके हैं 2 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर। सफर है हमारा स्वयंभूनाथ मंदिर तक का। रास्ते में मिल जाती है 2 महिला मित्र और कहती है 1.5 किलोमीटर तक हम छोड़ देंगे। अब हमें चढ़नी है मुश्किल से मुश्किल सिर्फ 365 सीढ़ियां। स्वयंभूनाथ टेम्पल को मंकी टेम्पल ही बोलते हैं। ये बंदर पहले ही 2 केले खा चुका है, दूसरे वाले को खाने भी नहीं दे रहा है। ऐसे व्यू में अगर आपको चाय पीने को मिल जाए तो क्या ही मजा है कि नहीं? 25 नेपाली रुपए की एक चाय पी, दीदी कप अपने साथ ले गई, कितनी प्यारी बात है, गंदगी ना फैले। केले के छिलके पन्नी में डाल दिए तो बंदरों को लग रहा है इसमें और केले हैं, तो प्रूफ देना पड़ रहा है। आपको डर नहीं लगता है यहाँ फोटो खिंचवाने से? टेम्पल्स के अलावा यहाँ दुकानें काफी सारी हैं, हैंडीक्राफ्ट्स आप खरीद सकते हैं, कैफे भी बहुत सारे हैं और यहाँ पर एक मॉनेस्ट्री भी है। अब टाइम आ गया वापसी का। अब हमें जाना है पशुपतिनाथ मंदिर। 146 रुपए की बाइक आ रही है, 468 रुपए की कार है। आप अगले मिनी ब्लॉग में देखेंगे हम कैसे गए।